हेलो दोस्तों, एचडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी का पार्ट 22। दोस्तों, पार्ट 1 to 21 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। दोस्तों, ये पार्ट 22 है। कृपया 22 देखने से पहले 1 to 21 जरूर देख लें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के लिए अमेरिका का पेरिस कहलाता है, ब्यूनस आयर्स कहलाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, वेंटुकी को कहा जाता है? टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, इस्तांबुल? किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है? सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है? झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है? नगरों का शहर वेनिस को कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है? निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है, कोरिया को कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, एबरडीन को कहा जाता है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। डेटम रेखा क्या है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई का माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर है। 6400 किलोमीटर की लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य सागरीय कटक। नाइन्टी ईस्टरीज कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। भूमि का गुरुत्वीय जल किस तनाव पर रहता है, 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल यानी मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से कम है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में। पृथ्वी पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में है। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भूभाग है गहरे सागरीय मैदान। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षांशीय द्रोणी का, टर्की के उत्तर में है। काला सागर है, टर्की किनके मध्य स्थित है, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व वह सही क्रम है, भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर है। जिस महासागर को सर्गोसो संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक। सर्गोसो समुद्र की विशिष्टता है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति का। अधोलिखित सागरों में किसमें तट रेखा नहीं है, सर्गोसो सागर।
इटली, सिसिली और सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियम सागर, टेरहेनियन सागर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? चाड। बाकी की अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया, तीनों की मिलती है। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? जॉर्डन नहीं फैला है, बाकी की सीरिया, लेबनान और इजराइल, तीनों फैले हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? दक्षिण चीन सागर। निम्नलिखित कारकों पर विचार करिए। पृथ्वी का उपयुक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इनमें कौन से वक्तव्य सही हैं? महासागरीय धाराएं महासागर के जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। सही है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। ये भी सही है, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। ये भी सही है, महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। चारों सही है। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तित के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, अघुलहास धारा चलती है, हिंद महासागर में चलती है। अघुलहास धारा दक्षिण हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म जल धारा है। अधोलिखित में से शीत महासागर धारा नहीं है, जो है शीत महासागर धारा वो देख लेते हैं, कनारिज, ओआसियो और हम्बोल्ट, बाकी की अघुलहास नहीं है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? वेंगुला धारा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? वेंगुला धारा नहीं है, बाकी की अघुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, ये तीनों हैं। वेंगुला धारा ठंडी धारा है। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कनारी नहीं देती है, कनारी धारा संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं को के पूर्ण वृत्त से नहीं है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से प्रभावित होने वाली ठंडी जल धारा है, जबकि जो संबंधित हैं बेंगुला है, ब्राजील है और दक्षिण पश्चिम प्रवाह है, दक्षिण पश्चिमी पवन प्रवाह है। जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वो है पेरुवियन। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? पेरुवियन हम्बोल्ट, ये शीत धारा है। बाकी की गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, क्यूरोसियो गर्म जल धारा है, ब्राजील। निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन सही नहीं है? जो सही है वो देख लेते हैं, ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर और अघुलहास धारा हिंद महासागर। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा है। दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दिखाया गया है? ये दिखाया गया है बेगुला और गिनी को दिखाया गया है। सूची वन को सूची टू से मैच कराना है, देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा प्रशांत महासागर है और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर है। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिवेक प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कनारी नहीं है संबंधित। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? हेलोक्लाइन
महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, हेलोक्लाइन कहलाता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल में लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? अधिकतम योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है। महासागरों की औसत लवणता 35% है। सागरीय लवण जल में लवणता में सोडियम क्लोराइड की अधिकतम योगदान होती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है झीलवान टर्की में। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? मृत सागर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है। सर्वाधिक लवणता लवणीय सागर लाल सागर है, जिसकी लवणता 33 से 41% है। उपयुक्त विकल्पों में भूमध्य सागर की भी एक सागर है, जिसकी लवणता 37 से 39% है। मृत सागर की लवणता लाल सागर एवं भूमध्य सागर से अधिक है, परंतु इसे झील की श्रेणी में रखा गया है। यदि विकल्प में दिए गए जलीय निकायों का सागर मान लिया जाए, तब सर्वाधिक लवणीय मृत सागर ही होगा। समुद्र में घनत्व तो बढ़ता है, तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरब सागर, अरब सागर में पानी का औसतम खारापन है 35 PPT। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर में, डेड सी में। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होते हैं? ये होते हैं सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अक्षय उच्च ज्वार इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण है। ये कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। ये सही है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्व चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। नहीं, ये गलत है। रेखाचित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होती है? समुद्र ज्वार की ऊंचाई सबसे अधिक M4 में होती है। बृहत ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? चंद्रमा से। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना, देख लेते हैं। हिंद महासागर, सुंडागर्त, उत्तर प्रशांत महासागर, एल्यूशियन खाई, दक्षिण प्रशांत महासागर, कर्मेडे खाई, दक्षिण अटलांटिक महासागर, द स्वेंडिस गर्त। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? चैलेंजर। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना परीखा स्थित है? हिंद महासागर में। अपवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है अमेजन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाह नहीं है? चाड का। नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तना झील से निकलती है। मिस्र नील नदी का उपहार है। ये सही है। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। दोनों सही है, रीजन भी सही है। दिए हुए मानचित्र पर विचार करिए। मानचित्र में दर्शाई गई नदी है, इसमें यह साल्विन है। ये
एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? साल्विन। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है। ABCD के रूप में चिन्हित अपवाह श्रेणियों के नीचे सूची में दिए गए नामों के साथ सम्मिलित कीजिए और अपवाह द्रोणियों के नामों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नहीं, ये जो है ये पराना है। बी जो है ये सिंधु है, नहीं, बी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र है। बी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र है, सी जो है जाम्बेजी है, और डी जो है ये सिंधु है। निम्नलिखित मानचित्र में ABCD नदियों की सूची के नामों को सम्मिलित कीजिए और सूची के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए जो है युकान है, बी जो है मैंकेजी है, सी जो है सेंट लॉरेंस है, और डी जो है वो है ओरिनोको। सर और आमू नदियाँ गिरती हैं अरल सागर में गिरती हैं। सर और आमू नदियाँ काला सागर में गिरने वाली नदी द्रव हैं। नीपर, डेन्यूब। विल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। मैच कराना है। लीना आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमुर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती हैं। टिग्रिस फारस की खाड़ी में गिरती हैं और माही अरब सागर में गिरती हैं। निम्नलिखित में कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? राइन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? नाइजर। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर को दो बार काटती है? लिम्पोपो। वह देश जो अरीय प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? श्रीलंका है। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। नीपर, नीपर नदी यूक्रेन में है। पो नदी इटली की है। राइन नदी जर्मनी की है। रोम नदी स्विट्जरलैंड से जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? मलेशिया में नहीं बहती है, नहीं तो चीन में, कंबोडिया में और लाओस, तीनों में बहती है मेकांग नदी। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? मिसिसिपी। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।